सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आदि सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल के अंदर यानी कि YouTube वीडियोस के अंदर ये सब्सक्राइब वाले जो है सो कैसे आप बना सकते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो अगर आप ऐसा देते हैं कुछ सब्सक्राइब वाले जो नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर आता है और सब्सक्राइब पे क्लिक होता है और उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक होता है और साथ में आपका नेम और चैनल का आइकन जो है सो लगता है, तो अगर आप ये देते हैं तो आपके वीडियो जो है सो काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। और ये तब काम आता है जब आप कोई वीडियो आप बना रहे हैं और उसमें आप बीच में कहीं बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं अपने वीडियोज में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये सब जो है सो लैपटॉप से ही बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं है, ये जो है सो आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये सब्सक्राइब वाले जो है सो आप कैसे जो है सो अपने फ़ोन से ही आप बना सकते हैं। उससे पहले गाइज हम आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल का आइकन आता है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज हम आपको देंगे जो जो है सो बहुत अच्छे वीडियो होंगे और जो है सो बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक्स होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइज काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि आपको वीडियो से हेल्प हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसलिए लाइक जो है सो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ऐसे तो बनाने में आपको बहुत मेहनत लगता है, लेकिन हम आपको जो है सो बहुत जो है सो ईजी तरीके में हम आपको बताने वाले हैं। आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा ग्रीन स्क्रीन में, तो उसको जो है सो उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको जो है सो अपने काइंड मास्टर में ओपन करके एडिट करना है, तो वो हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि उसको कैसे एडिट करना है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पे और आपको बताते हैं उसको कैसे एडिट करना है। तो गाइज इसके लिए करना क्या है कि आप अपने फ़ोन पे चले आइए। फ़ोन पे आने के बाद जो है सो हम मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन से जो है सो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में काइंड मास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से काइंड मास्टर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने काइंड मास्टर को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि आप जो वीडियो डाउनलोड किए हैं वो वीडियो को इसमें जो है सो ओपन कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पे जो है सो हम ये वीडियो को ओपन कर लिए हुए हैं। अगर यहाँ पे हम प्ले करके आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं ये जो है सो यहाँ पे वीडियो चल रहा है, पर यहाँ पे जो सब्सक्राइब वाले आ रहा है यहाँ पे ना तो मेरा चैनल का लोगो है और ना तो मेरा चैनल का नाम है। तो गाइज हम लोग करेंगे क्या कि एक यहाँ पे ले जाने के बाद इसको जो है सो स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट का मतलब ये हो गया कि ये जो अभी वीडियो है इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वीडियो पे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्नैपशॉट का यानी कि कैप्चर का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं लिखा है कैप्चर एंड सेम फ्रेम प्लेलिस्ट, तो इस पर क्लिक करके जो है सो आप कैप्चर को कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके चलिए हम इस जो है सो कैप्चर कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेने के बाद हमें जो है सो काइंड मास्टर से बाहर चले आना है। गाइज काइंड मास्टर से बाहर आने के बाद आपको चले जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद जो हम इमेज जो अभी कैप्चर किए हैं उसको हमें ओपन कर लेना है। गाइज ओपन करने के बाद क्या करना है कि आपको जो है सो इसमें अपना लोगो को ऐड करना है, तो नीचे ऐड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे और अपना लोगो को इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो गाइज एग्जांपल के लिए हम ये लोगो जो है सो ऐड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस लोगो को जो है सो कम करके यहाँ पे जूम करके आप जो है सो इसे आप सेट कर लीजिए, जितना अंदर आप जो है सो दिखाना चाहते हैं जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे इसे सेट कर लीजिए। उसके बाद गाइज क्या करना है कि ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका चैनल का नेम है वो चैनल का नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। चैनल का नेम लिखने के बाद ऊपर जो है सो टिकआउट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे ले आना है। कलर ऑप्शन में जाने के बाद आप कोई भी कलर इसे आप दे सकते हैं, हम इसे जो है सो ब्लैक देते हैं। और फॉन्ट में जाने के बाद आप कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट आप देख सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे ये वाले फॉन्ट को हम चूज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है सो मेरा फॉन्ट रेडी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए जो है सो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा,
तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज क्या करना है कि ऊपर टेकआउट पे क्लिक कर देना है, फिर इस पर क्लिक करके आपको इस इमेज को अपने गैलरी में सेव कर लेना है। उसके बाद गाइज हमें पिक्सआर्ट की कोई ज़रूरत अब नहीं है, तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। गाइज अब हमें एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा जिसे हम इरेजर बोलते हैं। आप प्ले स्टोर से कोई भी इरेजर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इरेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोड ए फोटो पे हम क्लिक करेंगे, और अभी जो हम सेव किए हैं गैलरी में पिक्सआर्ट के एप्लीकेशन का, वो हम इसमें जो है सो ओपन कर देंगे। पहले यहाँ पर जो है इसको हम क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो जितना नहीं चाहिए उतना आप यहाँ पे जो है सो क्रॉप इसे कर सकते हैं। और क्रॉप करने के टाइम आपको ध्यान ये रखना है, ये सब्सक्राइब वाले को भी जो है सो आपको यहाँ पे क्रॉप करके हटा देना है, ठीक है। तो हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको करना क्या है कि आप ऑटो पे चले जाइए और ये एरो लेकर जो है सो बैकग्राउंड को इरेज करके, उसके बाद गाइज इसको जो बैकग्राउंड जो आप ग्रीन हटाए हैं उसके बाद इसको वाइट को भी हटाना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाइट वाला भी जो है सो हट जाएगा। उसके बाद हम ऊपर डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है इसे हम कम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये इमेज जो है सो मेरा सेव हो चुका है। तो गाइज हम फिर से काइनमास्टर में आ जाएंगे और काइनमास्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब गाइज करना इसमें क्या है कि आप यहाँ पर आप इसे ड्रैग करके देख लीजिए। यहाँ तक आने के बाद जो है सो इसमें हमारा नाम चले आना चाहिए। एड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आप जो इमेज सेव किए हैं पीएनजी में जो इरेज करके, उसको आपको ले लेना है। उसको लेने के बाद जो है सो आप यहाँ पे जो है सो ड्रैग करके इसे छोटा करके अपने हिसाब से आप इसमें लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लग चुका है। अब गाइज इसमें करना क्या है कि जब ये स्क्रीन ऊपर जाए तो इसके साथ में भी जो है सो मेरा टेक्स्ट जाना चाहिए। तो इसके लिए इस टेक्स्ट को ड्रैग करके हम थोड़ा आगे ले जाएंगे। उसके बाद हम इसमें देंगे इन एनिमेशन का ऑप्शन, और इसमें जो है सो हम यहाँ पे देंगे अप स्लाइडिंग, ठीक है। और ये टाइमिंग जो नीचे आता है वो हम अपने टाइमिंग के हिसाब से हम लास्ट में देंगे। उसके बाद टेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद देखना है कि ये कहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ये नीचे चले जा रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कटआउट पर क्लिक करेंगे, और इसमें जो है सो टर्म राइट वाला जो है सो कर देंगे। उसके बाद फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे आउट एनिमेशन में, और यहाँ पे कर देंगे स्लाइड डाउन और टेक आउट कर देंगे। अब हम इसे प्ले करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है सो आ रहा है, क्लिक हो रहा है, उसके बाद ये डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सो पहले डाउन हो जा रहा है, तो इसे थोड़ा आगे हम कर देंगे ताकि साथ में आए। देख सकते हैं यहाँ पे साथ में ऊपर आ रहा है, और क्लिक होने के बाद जो है सो ये नीचे चला जा रहा है। तो ये अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही घसका घसका कर आपको दो तीन बार में देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं साथ में चले जा रहा है। तो ऐसे करके आप इसे इजीली जो है सो बना सकते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप बैकग्राउंड को ग्रीन से हटा सकते हैं क्रोमाकी के मदद से, और इसे आप यूज कर सकते हैं वीडियो में जैसे हम यूज करते हैं। अब आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव वीडियो टू गैलरी पर क्लिक करना है, और फुल HD में आप इसको जो है सो एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे कि देख लिए कि बहुत आसान है इसे बनाना, और कोई भी सॉफ्टवेयर में जिसमें आप वीडियो एडिट करते होंगे, जिसमें ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन होता होगा बैकग्राउंड हटाने का, उसमें जाकर आप इजीली उसको हटा सकते हैं और अपने वीडियो को में जो है सो अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।